इन्फ्लेशन को लेकर, जो रोजाना की वस्तुएं हैं उस पर उनके जो कीमतें हैं, दाल, चावल, टमाटर, सब्जियां, रसोई गैस तो है ही है। तो जो दावे किए जाते हैं सरकार की ओर से कि मुद्रास्फीति का दर घट रहा है, वो तो अभी तो घट नहीं रहा है, वो तो अब बढ़ रहा है। और न केवल टमाटर इसमें शामिल है, बल्कि और भी आवश्यक वस्तुएं हैं जो सभी परिवारों पर ये बोझ बनकर पड़ा हुआ है। इस पर सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्या करने वाली है, क्या करना चाहती है, जरूर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी। कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जैसे महात्मा गांधी नरेगा है, ग्रामीण विकास के लिए जो कार्यक्रम, जो परियोजनाएं यूपीए के सरकार के समय से लागू हुआ है उसको कमजोर किया जा रहा है अलग अलग बहानों को लेकर, डिजिटलाइजेशन के बहाने में जिस तरीके से महात्मा गांधी नरेगा को खत्म किया जा रहा है, लोग रोजगार चाह रहे हैं पर रोजगार उनको मिलता नहीं है, ये अजीब सी स्थिति है और ये मुद्दा हम जरूर उठाएंगे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ प्रधानमंत्री कहते रहते हैं, मंत्रिमंडल के मंत्री भी कहते रहते हैं, पर जिस तरीके से बीजेपी, एक बीजेपी सांसद पर आरोप लगाए गए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिस तरीके से महिला पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है दिल्ली पुलिस द्वारा, ये हमारे सारे समाज पर एक कलंक है। और ये मुद्दा भी आज विचार में आया और हम जरूर इसको लोकसभा और राज्यसभा में जरूर उठाएंगे। जेपीसी का मुद्दा पिछले सत्र में भी था, ये सत्र में भी होगा, और नई जानकारी आई है मोडानी को लेकर, कल ही हमने देखा है उसका एक मिसाल, धारावी परियोजना। तो जेपीसी की मांग जो हमने की है, क्योंकि जो सवाल हम उठा रहे हैं मोडानी को लेकर, वो कोई विशेषज्ञों की समिति के द्वारा जांच नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट की नियुक्त समिति के द्वारा उस पर जांच नहीं हो सकती, सिर्फ जेपीसी ही इस पर जांच कर सकती है। और ये हमारी सारी विपक्ष पार्टियों, कई विपक्ष की पार्टियों का की मांग थी और इस सत्र में भी ये मांग रहेगी। और अलग अलग राज्यों से लेकर कुछ मुद्दे हैं, असम में डिलिमिटेशन का मुद्दा है, मध्य प्रदेश में दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार का मुद्दा है, ये राज्यों के मुद्दे भी हमारे सांसद उठाते रहेंगे। मैं समझता हूँ मैंने आपको जो आज डेढ़ घंटे की बैठक में बात हुई है उस पर जो मुद्दे उठे थे उसकी जानकारी मैंने आपको दी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।